प्रश्न क्रमांक 405 फैजल खान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वतनी अजीज आपका शुक्रिया करता हूं जो इस सवाल को पटल पर लाया गया। यूसीसी के चार्टर पर राजनीतिक दलों का नित्य जारी है, वे इस मुद्दे को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाते हैं, परंतु क्या इसमें मुल्क का हित शामिल है? जी नहीं, ये सब सत्ता पक्ष की चालें हैं, पर मैं उन्हें बता दूं कि ये चालें कामयाब नहीं होंगी। आवाम में बंटवारा यानी मुल्क का बंटवारा, और हम ये होने नहीं देंगे। मैं हमारी सत्ता पक्ष में बैठी सरकार से पूछना चाहूंगा कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। एक तरफ ये विविधता में एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ यूसीसी लाने में तुले हुए हैं। महोदय, चुनाव से पहले अचानक से ये यूसीसी का मुद्दा कहां से आ गया? और अगर आप यूसीसी ले आएंगे तो उस विविधता का क्या होगा? भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं। उन रीति रिवाजों का क्या होगा? व्यक्तिगत नियमों को एक छत के नीचे लाना समाज में विशेषताओं को दबाने का बहुत बढ़िया कदम है, परंतु महोदय, मैं मोहतरमा से पूछना चाहूंगा, ये कदम तो उठा लेंगी पर रखेंगी कहां? क्या ये कदम आर्टिकल 29 के ऊपर रखेंगी और उसे रौन दिया जाएगा? मेरा प्रश्न है, क्या होगा आर्टिकल 29 का जो हमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा देता है? मेरा प्रश्न है, क्या होगा आर्टिकल 25 का जो हमें राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की स्वतंत्रता देता है? और श्रीमान, बात रही आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 में भी साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब देश की जनता सहमत हो तब यूसीसी लाएं। बी प्योरली वॉलेंट्री, वो अपने से थोड़ी बात बनेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स प्लीज। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, इसके पहले कि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूं, मेरा भी इनसे एक प्रश्न है। श्रीमान, ये जरा बताएं कि एक घर में एक व्यक्ति के लिए एक नियम हो और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या ऐसे में वो घर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं श्रीमान, तो ऐसे में देश कैसे चल पाएगा? महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो संविधान की मूल भावना में लिखा हुआ है श्रीमान कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अनुच्छेद 44 में साफ साफ लिखा है शैल एंडेवर, यानी राज्य को या प्रयास करना है, सुनिश्चित करना है कि ये होगा। और महोदय, संविधान निर्माताओं के मनोभाव ही यही थे कि समान नागरिक संहिता देश में लागू हो। कई बार सर्वोच्च न्यायालय और कम से कम 10 बार अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय अपने फैसले में कह चुके हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। अब फिर भी अगर इनको अचानक नजर आता है श्रीमान, तो मुझे इस पर आपत्ति है। महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सभी धर्म संप्रदाय की बहन बेटियों के लिए विवाह की उम्र समान हो जाएगी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएंगे, एक पति एक पत्नी का नियम सब पर लागू होगा। अब मुझे तो इसमें आपत्ति की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। क्या मेरे विपक्षी साथी महिलाओं की निजी समस्याओं को दूर नहीं करना चाहते? श्रीमान, एक तो इनको ये बहुत पहले ही ले आना चाहिए था, अब हम इनकी गलती सुधार रहे हैं तो उसमें भी इनको हस्तक्षेप करना है। महोदय, जहां तक इनका कहना रहा कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र पर एक संस्कृति थोपना चाहते हैं, तो भाई ये बेसरपैर की बात होगी। मैं पूछती हूं कि हिंदू कोड बिल हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख सब पर समान रूप से लागू है। अब माननीय आपके माध्यम से मेरा इनसे प्रश्न है कि क्या इनके अंदर जो विविधताएं हैं वो इनको खत्म होती दिखाई देती हैं? महोदय, एकता और एकरूपता, ये दो शब्द हैं और इनके बचकाने प्रश्नों से ये साफ है कि इन्हें इनके बीच का फर्क नहीं मालूम। अरे भाई, मैं ये नहीं कहती कि पूरा देश तिलक लगाए या पूरा देश टोपी पहने। मैं तिलक लगाऊं, तुम टोपी पहनो, लेकिन ये जो कायदा है श्रीमान कि सड़क पर बाई तरफ चलना है, वो मैं भी मानूं और तुम भी मानो। महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी की मान्यताओं या रीति रिवाजों पर प्रहार नहीं करता, लेकिन अगर न्यायालय न्याय धर्म और संप्रदाय के नाम पर देने लगे तो क्या ये आपको एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र में अटपटा नहीं लगता? और महोदय, मुझे हंसी आ रही है कि ये मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी भूल गए क्या? श्रीमान, जनता भी जानती है कि कौन किसका कितना सगा है,
इसीलिए आज आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं। जहाँ तक बात रही अनुच्छेद 29 की, तो मैं बता दूं कि इनके लिए महिलाएं अल्पसंख्यकों की श्रेणी में नहीं आती होंगी, लेकिन हमारे लिए आती हैं और उनके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना भी हमारा ही दायित्व है। और जहां तक इनका चिंतन रहा अनुच्छेद 25 को लेके, तो मैं बता रही हूँ श्रीमान कि हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा रहेगी, लेकिन अगर कुछ व्यक्तिगत नियम किसी वर्ग विशेष का शोषण करेंगे तो हम उनमें बदलाव लाएंगे। महोदय, माननीय सांसद, सदन की गरिमा बनाए रखना, अन्यथा आपको निष्कासित किया जाएगा। आप जारी रखें। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से ये प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या वो शाहबानों को भूल गए? अगर नहीं तो यूसीसी का समर्थन करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता, लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित होगी। महोदय, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने 2019 के मैनिफेस्टो में 3 वादे किए थे, उसमें से 2 पूरे कर दिए और जनता के आशीर्वाद से 3रा भी गए। धन्यवाद।